था भैया, ये ऐसा हो गया। चलो दे 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 दे। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी। हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप देख रहे हैं सृष्टि रावत एंड फैमिली व्लॉग। सो गाइस देखो, आज का थोड़ा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे पे टाइम भी है आज, अदरवाइज रोज मम्मा ही व्लॉग बना रही हैं आजकल, आप सब तो देख ही रहे हैं। तो ये हमारा प्यारा सा राज दुलारा शेरू। सो गाइस अभी हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, शेरू के डॉक्टर से। अभी हम जा रहे हैं उनके पेट क्लिनिक में, और रीज़न क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि शेरू का वैसे हम बहुत ध्यान रखते हैं। आई डोंट नो कि इसको क्या दिक्कत हो गई है, दिक्कत क्या है वो भी आपको बताती हूँ। आपके भी डॉग्स होंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। तो इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये देखो खेलने आ रहा है मेरे सामने अभी। ये देखो ये इसका पिकाचू है, और इसका देखो ये हो गया है ये पैर पे। सो गाइस देखो, अगर कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत हो आपके डॉगी के साथ तो बिल्कुल भी उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत कब बड़ी बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। वैसे तो मम्मी का प्लान था जाने का, लेकिन थोड़ा मम्मी का कुछ काम आ गया घर पे, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है भाई के साथ। भाई भी रास्ते में ऑफिस से आ रहा है, सीधा आते हम इसको पहले लेके जाएंगे और मैं भी अभी रेडी हो जाऊंगी। ये देखो सुबह को खेलने के मूड में, इसको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है इसके साथ। अभी इसको लेके जाएंगे तब इसको थोड़ा अक्कल आएगी ठिकाने पे। अक्कल तो वैसे है नहीं इसमें, देखो बच्ची मेरे को मार दिया। और गाइस इस ये जो घाव हो रखा है ना, इसकी मेरी मम्मी ने इतनी मरम्मत की है, मैं आपको क्या बताऊं। मम्मी क्या क्या लगाया आपने देखो। गाइस कैसे आप सब लोग, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक, लेकिन मेरा सिरू ठीक नहीं है। सिरू पुट्टी दिखा रहा है इसको, जरा यहां कर दिया इसका, यहां पे देखो पैर पे दिखाना जरा, इसके पैर पे कुछ तकलीफ हो रही है। देख कैसे देख रहा है, सुन भी रहा है, क्या हो गया बेबी? अभी डॉक्टर के पास जाएगा ना, है ना? पिकाचू के साथ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, और छीन लेंगे वाटर की तरह। तो इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। हमने कहा पहले सही हो जाएगा अपने आप। छोटा सा हुआ था, छोटा क्या होता, हमने सोचा चोट लगे या ये कुर्सी के टेबल के नीचे घुसता रहता है, और धीरे धीरे करके बढ़ता गया। अब हमने दवाई भी लगाई, बीटाडीन लाए, उसके बाद एक पाउडर अब वो भी लाए। फिर इसके लिए किसी ने बोला कि नीम के पत्ते की तरह एक पेड़ होता दूसरा डेंगन भूजे से गढ़वाली में, तो उसको पीस के चटनी की तरह बना के और उसके तेल में, सरसों के तेल में उसको वो करना, मतलब पकाना उसको, तब लगाना। वो भी लगाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। और तो आगे क्या होता है वो पता चलेगा, डॉक्टर वहाँ कुछ करेगा इसका टेस्ट वगैरह। सेरी, ओ सेरी, तो ये है शेरू, ये देखो खेल रहा है भी अपने पिकाचू के साथ। और इसका घाव देखो ये हो रखा है, देखो ये है इसका घाव। और ये पहले छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले हमें लगा कि यार ये सोफे वगैरह के नीचे जाता रहता है, आपने बहुत वीडियो में देखा होगा, सीधा घुस जाता है। पहले छोटा था तो जाता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अब जाता तो उसको कभी लग जाती है। हमें लगा चलो शायद ऐसे लग गई होगी, धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। अभी मतलब दो ही हफ्ते हुए इतना बढ़ गया, इसको ये चाट भी रहा। हमने लगा क्या पता लोगों ने बोला कि चाट के ठीक हो जाएगा, पर देखो ऐसा नहीं होता है, चाट या कोई भी घाव ठीक नहीं हो सकता। चलो 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 चलो, इसके ये ढीला ही है अभी तक, मैं फिट नहीं आया इस हार्नेस में ये। वो तो गाड़ी 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 चल 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 गाड़ी 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 ये है बेटा, ये इसमें आना, इसमें रुक जा यार, इसके अंदर जाना, मैं कह रही हूँ आगे बैठ लेते, आगे आगे। तो भाई आ गया लेने के लिए। सी सो गाइस ये हमारा शेरू, मैं, भाई, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए अभी बिल्कुल संभल नहीं रहा है, गाड़ी मैसे हो जाता ही। पोहा लाई हूँ मम्मी ने बनाया, मस्त पोहा पीछे रखा है। गाइस शेरू की हालत देखो, बस घूमने के लिए खुश खुश देख रहा हूँ यहाँ वहाँ। देखो भाई को देख के खुश हो जाता हूँ,
ए शांत रहे, तुझे गाड़ी चलानी है क्या? देखियो गाइस, ये हमारे भाई की ड्राइविंग स्किल्स है। सी भाई कैसे मन गाड़ी चलाता है, जबकि आज मार्केट भी लगी है, बहुत रश है रोडों पर। बस हम आगे आ चुके हैं। ये सेरू हमारा बहुत खुश होते हुए। सो गाइस, जैसे मम्मा के आने का प्लान था, पर मैं और भाई सेरू को लेके जा रहे हैं, तो अभी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों जा रहे हैं हम अभी। ये देखो, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखो भाई शेरू को लेके जा रहे हैं, और यह है इंद्रपुरम का पेट क्लिनिक, बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट हो जाते हैं डॉग्स के। लग गई क्या? चल शेरू, इतना भारी हो गए, इन उठाए भी नहीं जाता। भाई चलो, भाई चलो 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 ऊपर ऊपर चलो। ऐसे करो यार, दिखाई नहीं। अब तो मम्मी को भेजूंगी तो ये देखो। पीछे बैठा हूँ अपने साथ। तेरे बैग में घट कर ले पीछे। एक सगाई, जब हम घर को जा रहे हैं, देखो ये देखो। अरे यार, ये शेरू ने परेशान कर दिया। अब ठीक हो जा फटाफट। मजे आ रही है उसको, क्या मतलब हो रखा मजे में हो। देखो है। तो भाई भी अभी आया था ऑफिस से, अब इसको लेके गए हैं हम। चलो, भाई ने खाना भी नहीं खा रखा है अभी, मिलते थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस शेरू आ गया है, भाई भी आ रहा है गाड़ी लगा के। पहले मम्मी से घर पे जाके बात करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या क्या हुआ आज। देखो शेरू के पैर पे ही पट्टी भी बंधी है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं डॉक्टर से, और मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। डॉक्टर ने बोला है कि इसका जो घाव है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा हाँ, एक हफ्ता हुआ है, हमें लगा कि छोटा मोटा से चोट लगी होगी, ठीक हो जाएगा अपने आप ही, कभी डॉग्स रिकवर कर लेते हैं। तो ये बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो ये इसका ट्यूमर हो गया है और इसको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रॉपर इसका ऑपरेशन होगा शायद इसका, और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा हमें। और अभी आज तो डॉक्टर ने इसका ब्लड टेस्ट ले लिया है, और इसके पैर में मतलब जो हो रखा है, तो ये हटाना ही इसका एकमात्र ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने अभी ब्लड टेस्ट का करवा दिया है, और देखो चाहे डॉग आपका ख़रीदा हुआ हो, चाहे आप उसको कहीं से लाए हो बड़े प्यार से, डॉग डॉग होता है, इट डजेंट मैटर कि आपने खुद से ख़रीदा है, आप उसको ख़रीद के लाए हैं, या आप रोड से उठा के लाए हैं, कहीं से भी लाए हैं, डॉग डॉग होता है। केयर आपको प्रॉपर करनी पड़ती है भाई, और इतनी केयर करने के बाद भी अगर इसका ये हाल है, तो भाई आप भी अपने डॉग का थोड़ा ध्यान रखो। थोड़ा बरसात का मौसम भी है, हमें डर भी लग रही है कि अगर अभी इसका ऑपरेशन कुछ करा देंगे कहीं और दिक्कत ना हो जाए। बाकी 10 दिन तक इसको ऐसी केयर करनी पड़ेगी ऑपरेशन के बाद, प्रॉपर टाँके वगैरह जो भी हो, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, सब कुछ देखना पड़ेगा। वो तो खैर आगे की चीज़ है, अभी हम इसका ब्लड टेस्ट करवा कर आए हैं। भाई साहब देखो,
वैसे लोग कहते हैं हमें भी कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो इस पे, इसके लिए शैम्पू इतना महंगा 900-950 का शैम्पू ला रहे हो, कुछ भी लगाओ इस पे, कुछ भी खिलाओ, क्या मतलब है भाई। अब जब उसको मैं ला रखी हूँ इतने प्यार से, तो मैं उस पर खर्चा थोड़ा कर ही सकती हूँ, है ना। अब खाना वाना, और डॉक्टर कह रहे कि अभी तो तुम इसको अभी दो तीन महीने पहले लाए थे, छोटा सा था, अभी इतना बड़ा, इसका वेट नापा 20 किलो का हो गया है शेरू महाराज जी, और हाइट भी बहुत अच्छी हो गई। देखो कहाँ देख रहा है, खिड़की के बाहर हाइट बहुत अच्छी हो गई है इसकी। तो उन्होंने बोला कि तो बहुत अच्छी, मतलब ताकतवर हो रहा है आपका शेरू। मैंने कहा इसको मैं अग्निवीर भर्ती में भेज रही हूँ, तब इसने मस्त करके वहाँ रक्षा करेगा देश के। अभी अभी मम्मी जी करता है, तब देश की रक्षा करेगा। सो गाइस, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई डॉग्स हैं तो भाई थोड़ा ध्यान रखो उनका, और बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर मत करो इन चीज़ों को, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई थी, सही क्यों नहीं हो रहा, क्या होगा। तब भाई ने बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर पे लेके चल, ऐसे ठीक नहीं हो गई। भाई भी तुरंत आया ऑफिस से, खाना भी नहीं खाया था उसने। मैं उसके लिए टिफ़िन लेके गई गाड़ी में, चल गाड़ी में खा लो, उसको जाना भी अपनी अकेडमी जो उसने इतने मेहनत से खोला हुआ है, वहाँ भी लोग आ गए होंगे करने के लिए जिम और पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग के लिए। तो भी भाई को वहाँ भी जाना फटाफट, उसने इसको भी दिखाया, मुझे भी घर छोड़ा। मैं कहा मुझे रास्ते में छोड़ दे, कह रहा नहीं नहीं घर तक ही छोड़ के आऊँगा। अभी उसने बोला है डॉक्टर को कि पहले मैं मम्मी को लाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा शोर रहता है इससे, मतलब ध्यान बहुत रहता है शेरू पे, तो मम्मी बात बात करेगी, तो जैसे जैसा होगा आप बता देना। और 10 दिन तक, जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा इसका, 10 दिन तक रोज ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ेगा, ये देखो। तो वो सारा चीज़ मम्मी को बता देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि शेरू महाराज जी की रिपोर्ट, जो ब्लड रिपोर्ट है, कल तक आ जाएगी। तो कल वो बताएंगे डॉक्टर कि इसको कब ऑपरेट करना है इस चीज़ के लिए, और ये प्रॉपर हटेगा, इसको स्किन से हटाना पड़ेगा, मतलब काट के निकालना पड़ेगा, और इसमें दर्द तो होगा ही इसको, हमारे प्यारे बच्चे को, प्यारा सा बच्चा हमारा। तो भाई यही कहना था, अपने डॉग्स का ध्यान रखो। सो गाइस, शेरू महाराज जी थोड़ा नहा धो गए हैं, मैं उसको नहला के ले आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो वो पेट क्लिनिक है वहाँ पर और भी डॉग्स आते हैं। तो भाई जस्ट फॉर द सेफ्टी, इसकी सेफ्टी के लिए मैंने इसको फटाफट नहला वहला दिया। मस्त इसके प्यारे प्यारे इकलौते टिक शैम्पूज है, जिससे ये बिल्कुल मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट इसकी, ये देखो उल्टे काम कितना कर रहा है। गाइस देखो, शेरू क्या मस्त आराम कर रहा है मम्मी के साथ यहाँ पे, ये देखो मम्मी और शेरू, बस मम्मी का राजा बेटा ही है भाई। मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ मेरा राजा बेटा, पर मम्मी से इसको इतना प्यार है, मम्मी को इससे इतना प्यार है कि बस पूछो मत। ये देखो हाथ जो कैसा रखा उसने, बिल्कुल लाट साहब। ये देखो ओ हो हो, बस डबल बेड में दोनों माँ बेटे पड़े रहते हैं, इनको देखो क्या ठाट रखे दोनों के, हाँ कूलर के सामने। ये देखो हाथ ऐसे रखता है देखो, और जब इसको लगता है कि ये थोड़ा पोज चेंज करना है, सीधा मम्मी के पैरों पे जाता है, मम्मी के पैरों पे मुंडी रख के सो जाता है, रात भर ऐसे सोता है रात भर। क्या क्यूँ लगता है, कितना क्यूँ क्यूँ तू बेबी है, मतलब क्यूँ तू, देखो नाक कैसे हो रखे इसकी, या बोल रहा नो 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 देख रहा है। मम्मा मैं भी वीडियो में आ रहा हूँ क्या, मम्मा मैं भी वीडियो में आ रहा हूँ क्या, मम्मा मम्मा नहीं काटूंगा मैं आपको, मैं वीडियो में आ रहा हूँ मम्मा, देखो देखो कैसे लग रहा हूँ मैं, आहा सुन भी रहा है। नहीं क्यों करनी पिटाई वे मम्मी को मारो, देखो मेरी मम्मी है, देखो कैसे आ रहा है, मेरी मम्मी है, देखो मम्मी को हाथ ही लगाने देता भैया, ये ऐसा हो गया, मेरी मम्मी बड़ा आया सिक्योरिटी गार्ड, मैं कैसे खड़ा हो गया। सो जा मेरी मम्मी देखना। तो अभी ये मस्त नहा धो के थोड़ा आराम करेगा, और मैं भी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइस, अपने डॉग्स का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और अपने डॉग्स को खूब सारा खिलाएं, खुद भी खूब सारा खाएं, एंजॉय करिए, और देखते रहें हमारा प्यारा सा व्लॉग।
और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलेंगे आपको सीधा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।